हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो प्रैक्टिकल है उससे पहले हमें इस सिनेरियो को एक बार अच्छे से समझना होगा। ये एक ऑफिस है और ये आपका सर्वर है और ये आपका स्विच है और ये अभी हमारे अलग अलग क्लाइंट हैं। ओके जी, तो फिर काम अभी हमारा स्टार्ट हो गया इसकी हेल्प से। बट सपोज़ करिए कि एक केबल अगर आपका कुछ ख़राब हो जाए और इसके लैन कार्ड में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तब उस केस में काम आपका स्टॉप हो जाएगा। तब उस केस में अगर हम लोग इसमें अपने दो लैन कार्ड भी अगर हमने इसमें अटैच किए, तो भाई दोनों की आईपी एड्रेस भी अलग अलग होगा। तब जो काम इस आईपी एड्रेस से हो रहा होगा, इसके बंद होते हुए भी फिर वो क्लाइंट को इस आईपी एड्रेस पर आना होगा, तब उस केस में काम आपका एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, तब उस केस में आज जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है NIC टीमिंग, इट मीन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड टीमिंग। अब इसका क्या काम होता है? इसका ये काम होता है कि अब ये जो आपका सर्वर होगा, इसमें हम लोगों ने अपने मतलब कम से कम दो और आपके अधिक से अधिक आपके 32 लैन कार्ड आपके इसमें अटैच हो जाएंगे और आपने की इसकी टीमिंग। अब इसका क्या काम होगा कि देखिए, एक टाइम पर काम आपका फर्स्ट लैन कार्ड से ही होगा। ओके, अब अगर इसमें कोई भी इशू आता है, तब इसके बंद होते ही ना पूरा ट्रैफिक ना इस अगले इसके लैन कार्ड में शिफ्ट हो जाएगा, और इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर अगले में। इट मीन कि आईपी एड्रेस अब आपका एक ही होगा। अब ये जो आपके 32 लैन कार्ड भी अगर आपके होंगे, तो आईपी एड्रेस आपका एक ही होगा और आपका काम बड़ी आसानी से होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको करना, और इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आता ही है। ठीक है, तो मैं क्या हूँ कि मैं अपने सर्वर में अभी सिर्फ दो लैन कार्ड ही अटैच करूँगा, एंड आई जस्ट शो यू द होल प्रैक्टिकल कि काम बहुत आसानी से होगा। ओके, तो मैं अपने सर्वर के ऊपर आ गया हूँ। अब सबसे पहले इसमें कितने लैन कार्ड अटैच हैं, तो उसके लिए कमांड होती है इफ़ कॉन्फिग। ठीक है, अब ये सामने आपके शो हो जाएंगे कि देखिए, एक तो है ENS 33 और एक है ENS 38। क्योंकि मेरा काम अभी वर्चुअल मशीन पर हो रहा है, तब इसमें कार्ड कैसे अटैच होंगे? तो अगर आपका ये VMware पर अगर होगा ना, तो आप अपने VM ऑप्शन पर आइए, सेटिंग ऑप्शन पर आपको आना होगा, और सामने आपको अपने ऐड ऑप्शन, जैसे कि अब इसमें आपके दो अटैच हैं, एक और अगर आपका अटैच होता है तो आप ऐड ऑप्शन पर आइए, और अभी आपको नेटवर्क कार्ड में, और इसमें आपका फिनिश होते ही ना ये थर्ड अभी आपका इसमें अटैच हो जाएगा। ओके, तो इसमें ये दो कार्ड अभी हम लोगों ने अटैच किए हुए हैं। अब अगला होता है आपका कि भाई किस पोर्ट से अभी काम हो रहा है। तो NMCLI कनेक्शन शो। तो अभी हमारा काम स्टॉप है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर अभी मैं अपनी एक टीम, मतलब कि आपका NIC टीमिंग हमारा स्टार्ट होगा। NMCLI कनेक्शंस एड टाइप टीम, मतलब कि टीमिंग होगी, और कनेक्शन नेम होगा हमारा Team 1। ओके, आई एम जस्ट गिव नेम Team 1, यू कैन गिव एनी नेम। ओके, Team 1। अब इंटरफेस नेम क्या होगा वो भी आपका Team 1 ही, आई डस गिव नेम। कॉन्फ़िग हो जाए। ओके, अब इसके बाद में आपका एक सिंगल कोट और सेकंड ब्रैकेट आएगा, फिर आपका डबल कोट, और कमांड होगी रनर, और फिर यहाँ पर ये क्लोज और कॉलन, फिर स्पेस, फिर सेकंड, और फिर यहाँ पर डबल कोट। इस कमांड को आपको बहुत ध्यान से करना होगा, नेम, और फिर यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा, फिर कॉलन, फिर स्पेस, फिर डबल कोट,
और एक्टिव बैकअप, एक्टिव बैकअप। ओके, फिर यहाँ पर ये क्लोज और यहाँ पर ये सेकेंड और यहाँ पर सिंगल कोट। इस कमांड से एक टीमिंग आपकी तैयार होगी और उसका नाम होगा टीम वन। ओके, अब ये आपका ऐड हो चुका है। अगर ये ऐड हुआ होगा तो इफ कॉन्फिग में ये आपका एक अलग से शो होगा। ये देखिए टीम वन। अब इसमें हमें अपने आईपी एड्रेस को असाइन करना होगा, तो मैंने कहा जी आईपी एड्रेस NMCLI। ओके, कनेक्शन मॉडिफाइड टीम वन और IPv4 आपका अभी असाइन हो जाए, एड्रेस एड्रेसेस और क्या हो। तो हमने कहा कि इसमें आईपी एड्रेस हो 20 की रेंज में 1 और /8, इट मीन कि 255.0.0.0। ओके, सिंगल कोट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ओके, पहले मुझे यहाँ पर भी एक सिंगल कोट होगा हमारा आईपी एड्रेस का। ओके, इसके बाद में IPv4 डॉट मेथड हमारा मैनुअल होगा, तो मैनुअल। ओके, अब और यहाँ पर ये अभी हो जाएगा। अच्छा, ये जो काम आपका कमांड से हुआ है, अगर आप चाहो कि ये काम अगर आपका ग्राफिक से हो जाए तो सिंपल NMTUI आपकी कमांड होगी। आपको सिर्फ एडिट ऑप्शन में आना है और टीम वन पर आना है और इसमें आपका आईपी एड्रेस इसमें आपका असाइन हो जाएगा यहाँ पर आके। ओके, तो आपका सेम ही काम होगा, तो चाहे तो आप इससे आ जाइए और चाहे आप उससे आ जाइए। ओके, मैं आता हूँ बैक, फिर आता हूँ मैं क्वाइट ऑप्शन पे, क्विट पे आ गया। अब इसमें जो आईपी एड्रेस अभी आपका असाइन हुआ है, अगर आपको उसको शो करना है, तो भाई टीम वन था हमारा, तो इसमें इफ कॉन्फिग टीम वन। ओके, बट आईपी एड्रेस तो जो अभी हमारा ऐसा हुआ था वो तो इसमें अभी आपका शो नहीं हुआ, तब एक कमांड, तो पहले एक बार हमें से इफ डाउन करना होगा टीम वन और फिर एक बार इफ अप, तो ये हमारा अप हो जाएगा। और यहाँ पर अब जो मेरी कमांड थी इफ कॉन्फिग, उससे मेरा आईपी सामने शो हो गया। अच्छा, ये जो हमारा विंडोज़ है ना, ये वाला इसमें हमने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है, एक बार इनेबल। और मैंने दिखाता हूँ कि इसमें जो हमारा आईपी एड्रेस है वो हमने किया है 10-20 की रेंज में, इसमें 1 है, तो मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, एक बार 20 की रेंज में 2 डाल देता हूँ आईपी एड्रेस। ओके, 20 की रेंज में 2, ठीक है, आईपी एड्रेस असाइन हो गया है। तो अब क्या ये 20 की रेंज 1 से पिंग अभी होगा क्या हमारा, अगर मैं पिंग करवाना चाहूँ तो? देखिए पिंग अभी आपका ये नहीं होगा, ये पिंग अभी आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी लैन कार्ड अभी आपका अटैच नहीं है, तो सिर्फ अभी हमारी टीमिंग ही हुई है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका इसमें कोई कार्ड अटैच हो जाए, तो पहले एक बार इफ कॉन्फिग से आई एम शोइंग यू कि क्या क्या उनके नाम हैं। तो एक जो है वो है ENS33 और एक है ENS38। ओके, अब कैसे कार्ड हमारे अटैच होते हैं, तो कार्ड होती है NMCLI कनेक्शन एड टाइप और टीम हाइफन स्लेव। एक स्लेव मतलब कि एक कार्ड हमारा अटैच हो जाए और उस कनेक्शन का नेम होगा टीम स्लेव वन। ओके, तो ये इसका नाम हो गया। इंटरफेस नेम जो हमारा है, इफ नेम है वो जो हमारा है वो है ENS33 था ना हमारा, ये वाला। तो एक कार्ड अभी हमारा अटैच हुआ है ENS33 और मास्टर किस में आपका अटैच होगा, टीम वन से, टीम वन में ये आपका अटैच हो गया, ये सामने आपका एड आपका अटैच हो गया। ऐसे ही हमने कहा जी कि 38 भी आपका अटैच हो जाए, मतलब कि ऐसे ही आपका एक कार्ड ऐसे अटैच होता है।
तो ऐसे ही ना एक टीम में आप अधिकतम ना 32 आपके कार्ड आराम से आपके अटैच हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा स्लेव 2। ओके, अब यहाँ पर ये दो कार्ड हमारे अटैच हुए हैं। अगर आपको शो करना हो तो कमांड होगी NMCLI कनेक्शन शो। अब इससे ये शो हो जाएगा कि इस टीम में ये एक तो आपका स्लेव 1 है और एक आपका स्लेव 2 है, ये अभी हमारे अटैच हो गए। तो अगर अब मैं आता हूँ इसमें कि क्या अब यहाँ पर IP एड्रेस हमारा होगा, तो देखिए ये पिंग होना अभी स्टार्ट हो गया। मैं कंटिन्यूअस इसको पिंग करवाता हूँ -T से। ओके, अब यहाँ पर ये पिंग होना हमारा स्टार्ट हो गया। अब वो प्रैक्टिकल अभी हमारा ये था कि ये दो कार्ड अभी हमारे इसमें अटैच हैं और जी अभी आपका इसमें IP ये है। ओके, अब एक कार्ड अगर अब इसमें कौन सा कार्ड अभी हमारा एक्टिव है वो अगर आपको देखना हो तो कमांड होती है टीम DCTL और टीम 1 और उसका स्टेट क्या है, मतलब उसका स्टेटस क्या है। तो देखिए इसमें अभी शो हो रखा है कि ये दो कार्ड अभी आपके इसमें अटैच हैं, एक ENS 33 है और एक 38 है और जी इस टाइम पर काम आपका 33 पर ही हो रहा है। अब अगर मैं एक कार्ड को बंद कर दूं तो मैं आऊँगा अपने VM पे सेटिंग पे और ये अभी हमारा फर्स्ट कार्ड है, मैंने इसमें टिक हटा दिया था क्या, ठीक है। अब ये टिक होते ही वो कार्ड अभी हमारा बंद हो गया है, तो इफ़ आई शो यू तो देखिए यहाँ पर ये देखिए अब इसमें ये कार्ड अभी आप अच्छा देखिए ना कि पहले काम आपका 33 पर हो रहा था और ये कार्ड आपका बंद हो गया तो ये अब आपका हो गया ENS 38 पर। ओके, बट अगर मैं वापस इस पोर्ट को अगर मैं वापस इनेबल कर देता हूँ तब भी अभी भी आपका ये चीज़ अभी आपकी 38 पर ही होगी। हाँ, अब इस पोर्ट के बंद होते ही ना ये है ना अभी आपका इस पर आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके जी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था आपका NIC टीमिंग। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर बेस्ट करियर ग्रोथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।